हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे आसानी से क्रिस्पी और टेस्टी चिकन नगेटीज को। इस टेस्टी टेस्टी चिकन नगेटीज को बाहर जैसा टेस्ट से बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन को, और इसके पीसे इस तरह से छोटे छोटे कट कर लिया है, और इनको हम जार में डाल लेंगे। चिकन पीसों को जार में डाल लेके और इसके साथ ही हम ब्रेड पाउडर को डाल लेते हैं 1/2 कप, और थोड़ा सा नमक भी स्वाद अनुसार डाल लेते हैं, और 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट को 1 चम्मच डाल लेते हैं, और 1 चम्मच बटर को भी डाल लेंगे। आप ऑयल भी डाल ले सकते हो। इन सारों को डाल लेके हम स्मूथ ब्लेंड कर लेते हैं। अब ज़रा ज़रा भी करके भी ब्लेंड कर ले सकते हैं, और इसको काट लेके हम ब्लेंड कर ले बाद इसको हम बोल में डाल लेते हैं। और इसको डाल लेते हैं बाद 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल लेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक कम था हमें चख लिया था, और इसके अंदर नमक भी डाल लिया है। इन सारों को डाल लेके इस खीमा को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह मिक्स होने बाद, सॉफ्ट बनने के बाद इसको हम काट लेके इसको अच्छी तरह हाथों से दबा लेते हुए इक्वल शेप में आए तक हम रोल कर लेंगे इस तरह से। ये इक्वल शेप लाने के लिए हमें बेलन की सहायता से और चाकू की सहायता से साइडों को भी हम इक्वल कर लेते हैं, ताकि कोई भी पीस वेस्ट ना हो। देखिए, इस तरह से इक्वल कर लेने के बाद हम चाकू से कट कर लेते हैं इनको। नगेटिव्स के शेप में इनको कट कर लेना है, वेस्ट हुए नहीं जैसा। इसको निकाले हुए कोनों को भी सेट कर ले सकते, बना ले सकते हैं। इस तरह से हम दिखाए हुए तरह से ऐसा ही हमने इसको चौक शेप में कट कर लेते हैं। जैसे बाजार में मिलता है नेगेटिव, वैसे ही तरह से देखिए हमने कट कर लिया भी है, और इसको निकाल कर भी दिखाते हैं। और इसके पीस निकालते हो तो इसके चिकन के रेशो भी खींचे हुए आएंगे। ऐसा ही चाहिए था हमना, ऐसा ही हम बना के साइड पे रख देते हैं। और इसको कोटिंग के लिए हमने कॉर्नफ्लोर आटा और एक अंडा ब्रेड क्रम्ब लिया है, और इसके एक अंडे को फोड़ के बोल में डाल लेते हैं। बोल में डाल लेने के बाद इस अंडे में ही 1 चम्मच दूध, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल के इस अंडे के अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम बनाए हुए नगेटिव्स को चिकन के कोटिंग कर लेंगे कॉर्नफ्लोर आटे में डिप करके। फिर से हम बनाए हुए अंडे बैटर में डिप करके इसको ब्रेड क्रम्ब लगा लेते हुए सारे बना लेते हैं। ऐसे ही दिखाते हुए फिर से हम कॉर्नफ्लोर आटा बना डिप करके और एक बैटर में डिप करके कोटिंग कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से सारे। हम ऐसे ही इसको बना के भी रख ले सकते हैं हफ्ते भर के लिए। ऐसे ही बना के हम फ्रिज में 1 आवर के बाद हम फ्राई कर लेंगे। 1 आवर के बाद इसको फ्राई करने के लिए हमने पैन में तेल रख लिया है। तेल हीट होने के बाद एक एक करते हुए लो फ्लेम में ही रख के इसको तल लेना है। हाई फ्लेम में रखने से ये अंदर कच्चे रहते हैं और ऊपर जल जाते हैं। लो फ्लेम में ही रख के पका लीजिए। लो फ्लेम तेल का हीट कम हो जाने से फिर से मीडियम फ्लेम में रखें, फिर से लो फ्लेम में रखें। इनको हर इवन कलर आए तक, अच्छी तरह क्रिस्पी बने तक पका लीजिए। इनको फल डालते हुए ऐसे ही हम
पका रहे हैं और ये क्रिस्पी अच्छे कलर आने के बाद पूरी तरह पक जाने के बाद इसको हम कर लेते भी है। इसे साइल्स निकालने के लिए हमने नैपकिन में पेपर नैपकिन में निकाल लिया है और उनको इतने सारे बने हुए हैं और सारे बचे भी हुए हैं और इसके क्रिस्पीनेस भी हम दिखाएंगे। देखिए आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ को और इसको हम प्लेट में भी सजा लेते हैं। ऐसे ही हमारे तरीक़ों से हम बताए हुए क्वांटिटी से बनाइए और घर पे ही इसका टेस्ट बना के एंजॉय कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बना के आपको कैसा लगा कि कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।